दीक्षांत समारोह किसी विश्वविद्यालय का, उसके विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहाँ से उन्हें उनकी मेहनत का सर्टिफिकेट मिलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 दिसंबर को होना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी हैं। जैन साहब, ये काशी तमिल संगमम के बीच में ही, चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो आप निभा ही रहे हैं, साथ में दीक्षांत समारोह को भी कर रहे हैं आप, तो इसमें किनको आप आमंत्रित कर रहे हैं? करीब करीब 35,000 के करीब स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने वाली है, क्योंकि 3 साल के बाद ये कन्वोकेशन हम कर रहे हैं और कोविड की वजह से 2 साल से कन्वोकेशन नहीं हुआ था। तो बहुत बड़ा आयोजन होगा और पहले दिन 10 तारीख को मॉर्निंग में स्वतंत्रता भवन में मेडल्स दिए जाएंगे और उसके बाद डिफरेंट फैकल्टीज़ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और वहाँ से सर्टिफिकेट भी और मेडल्स और भी मेडल्स दिए जाएंगे। देश में जो गरीब है, देश में जो कमज़ोर है, देश में जो परेशान है, उसके लिए अपने आप को सेंसिटिव रखें, उसके प्रति संवेदना रखें। एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट है उसके बारे में ये परिकल्पना होनी चाहिए कि वो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। गुरुकुल के कुलपति ने दीक्षा दी अपने विद्यार्थियों को, कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार सहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD News, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।